नमस्कार दोस्तों, यस्सी क्लासेस के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रकाश का प्रावर्तन। तो आज हम समझेंगे कि प्रकाश का प्रावर्तन होता है क्या, और इसको समझें। तो लिखे हैं परिभाषा कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का प्रावर्तन कहते हैं। और उसको समझें कि प्रकाश का प्रावर्तन घटना कैसे होती है। तो इसके लिए मैं एक समतल दर्पण लेता हूँ। तो मान लिया यह एक समतल दर्पण है और इसके नीचे एक पेंट या लेप होता है। तो हम इसको जो डंडे बना रहे हैं, यह एक पेंट या लेप है, काला पेंट, लाल पेंट, कोई भी होता है। तो हमने क्या बना दिया, एक समतल दर्पण, इसके नीचे मैंने बना दिया। अब देखो, जब किसी समतल दर्पण पर जब प्रकाश की घटना होती है, कि जब प्रकाश की किरण आती है, तो चलिए मान रहे हैं यहाँ पर कोई वस्तु है जिससे प्रकाश आ रहा है। तो हमने मान लिया यहाँ से एक प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है। तो जब आती है प्रकाश की किरण को, तो हम इसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जब आती है, तो जब आ रही है, तो इसे हम बोलते हैं आपतित किरण। और देखो, जब समतल दर्पण पर जहां टकराएगी उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। क्या हो गया, आपतन बिंदु। यह आपतित किरण समतल दर्पण पर जहां टकराई वहां पर प्राप्त होता है आपतन बिंदु। अब देखो, जहां आपतन बिंदु प्राप्त है तो वहां पर एक हम कल्पना करते हैं अभिलंब। तो चलिए हम कल्पना कर रहे हैं अभिलंब का। हमने मान लिया क्या है, यह एक अभिलंब है। क्या है, अभिलंब, जिसको कहते हैं अभिलंब। कल्पना कर लेते हैं कि अभिलंब, इसको हम एक प्रयोग के द्वारा हम बताएंगे अगले वीडियो में। तो पहले हम परिभाषा, हम चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। तो हमने बनाया एक समतल दर्पण, ये आपका है समतल दर्पण। क्या है, समतल दर्पण। जो समतल दर्पण जो आप बाल झाड़ते हैं वही समतल दर्पण है। तो यह समतल दर्पण अब यहाँ से प्रकाश के किरण को मान रहे हैं आ रही है। तो जब आती है तो आने से बना है आपतित किरण। अब जहां टकराई वहां पर आपतन बिंदु प्राप्त होगा। तो जब आपतन बिंदु प्राप्त हुआ तो वहां हमें कल्पना कर रहे हैं कि अभिलंब वहां पर, ठीक है, अभिलंब समतल दर्पण के लंबवत होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, यह प्रकाश की किरण यहां से टकराएगी और अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। तो हम चलिए यहां से अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस, या प्रकाश किरण परावर्तित हो गई। तो जब परावर्तित, जिसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तन का ऐसे बोलेंगे परावर्तित किरण। देखिए एक परावर्तन घटना है। देखिए यहां से जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से, अब देखो ये पूरा चिकना तल होता है, इसको हम बोलते हैं चिकना तल, चिकना तल। देखिए अगर मान ली इधर पेंट कर दे रहे तो खुरदरा हो रहा है, और शीशा का ऊपरा भाग क्या होगा, चिकना तल होगा, यानी तो चिकने तल है। तो जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाए, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यह चित्र के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। तो अब देखिए क्या होगा कि इसमें क्या होता है, आपकी किरण आई, टकराई और इसी माध्यम में वापस, इसी घटना को प्रकाश का प्रावर्तन कहते हैं। ये चित्र के माध्यम से समझे। अब देखिए इसके दो नियम होते हैं, क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए समझा रहे हैं, पहला मान लो पहला तल यह है, दूसरा तल यह है। तो हमने क्या, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है, पहले ही तल में है। अब दूसरा क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो ये मान लीजिए अभिलंब से जो आपतित किरण कोण बनता है, इसे हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ये आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद देखिए परावर्तित किरण अभिलंब से परावर्तित किरण जितना कोण बनाती है उसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। और इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, रिफ्लेक्शन नहीं होता है, इसमें नहीं होता है। तो दोनों बराबर होते हैं, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, आर। तो यह कोण और यह कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। इसी पूरी क्रिया को प्रकाश का प्रावर्तन, दो नियम होते हैं और परिभाषा होता है।
अब जानते हो गए आपको पूरी वजह से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम आपको इसका प्रयोग समझाएंगे। आज के लिए थैंक यू।